भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल ना होकर धर्म बन चुका है। देश के क्रिकेटर्स को उनके फैन देवता की तरह पूजते हैं। एक बार देश के लिए खेल लेने वाला क्रिकेटर्स सबके लिए भगवान जैसा बन जाता है और क्रिकेटर्स के ऊपर काफी ज्यादा उन्हें पैसे भी मिलने लगते हैं। ये क्रिकेटर्स करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता, इसके पीछे भी स्ट्रगल होता है। लेकिन कई भारतीय क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जिनका बचपन बहुत गरीबी से बीता है। इन क्रिकेटर्स ने अपने बचपन में काफी ज्यादा गरीबी झेली और काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो आज के हमारे वीडियोस में हम ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जानेंगे जिनने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है और काफी ज्यादा गरीब थे वो, लेकिन अब वो करोड़ों के मालिक हो चुके हैं। साथ ही इनकी जो लाइफस्टाइल है वो पहले से काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, और ये पहले दिखते कैसे थे लेकिन अब वो काफी अच्छे दिखने लगे हैं, यानी कि स्मार्ट हो गए हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ क्रिकेटर्स के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता, और आइए बढ़ते हैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ। नंबर वन, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने से पहले गरीबी की मार झेल चुके हैं। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में वॉचमैन की नौकरी करते थे। पिता की मामूली तनख्वाह से बमुश्किल घर का खर्चा चल पाता था। बचपन से ही रविंद्र जडेजा को फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखनी पड़ी है। उसके बाद जडेजा ने अपनी मेहनत के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई और आज वो भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक है। इसी के साथ नंबर टू पर आते हैं, पठान ब्रदर्स के नाम से मशहूर इरफान पठान और यूसुफ पठान ने भी टीम में जगह बनाने में काफी मेहनत की है और काफी गरीबी भी देखी। उनके पिता ओड़ा की मस्जिद में साफ सफाई करते थे। पूरा परिवार मस्जिद में ही एक छोटे से कमरे में रहा करता था और वो काफी गरीबी से पले हैं। नंबर थर्ड पे जिनका नाम आता है वो है उमेश यादव। उमेश यादव के पिता कॉल माइंस में काम करते थे और वो बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने परिवार को दो वक्त का भोजन करा पाते थे। उमेश ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ भारतीय क्रिकेट में वो शामिल हुए। आज उमेश भारत के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक है। नंबर फोर पर आते हैं, भारत के तेज गेंदबाज रह चुके मुनाफ पटेल। जी हाँ, इनका जीवन कुछ ज्यादा ही परेशानियों से बीता। उनका परिवार काफी गरीब था। उनके पिता कपास के खेतों में मजदूरी करते थे। मुनाफ को भी कई बार भूखा सोना पड़ा है। मुनाफ ने खेतों में खेलते खेलते अपनी गेंदबाजी को इस लायक बना लिया कि टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली। नंबर फाइव पर आते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि पूर्व क्रिकेटर विनोद कमवाली को बचपन में बहुत ज्यादा गरीबी झेलनी पड़ी थी। एक वक्त था जब वो मुंबई में एक चौल में रहा करते थे। नंबर सिक्स पर आते हैं, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी यूपी के रहने वाले हैं। उनका बचपन काफी ज्यादा जरूरी सुविधाओं के अभाव में बीता है। उनका रुझान शुरू से ही क्रिकेट की तरफ था। परिवार ने भी उनके शौक को देखने के लिए तमाम मुश्किलें झेली और अपने बेटे को टीम इंडिया का शानदार गेंदबाज भी बनाया। तो आज के हमने वीडियो में जाना ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने आर्थिक तंगी से लेकर अपने बल्ले या गेंद के दम पर बेशुमार दौलत इकट्ठा की। जाहिर खान से लेकर हरभजन सिंह तक, रोमेश पवार से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक, इन सभी क्रिकेटर्स ने अपने काफी बुरे दिन देखे हैं। खैर, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट मैंने आपको जितनी बताई है इतनी नहीं है। काफी ऐसे प्लेयर्स है जो काफी गरीबी में जी भी हैं, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड को बताया है आपको। अब आपको हम अगर बताएंगे तो अपने कुछ आने वाले वीडियोस में और आपको बताएंगे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में। और हाँ, आप हमें कमेंट सेशन में बताइए आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए सत्य उदय मीडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।